हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है। इसमें गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर वे किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। और यदि पार्टी के लोग इन सभी हालातों का मुकाबला करके अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से आगे बढ़ने की पहल करते हैं तो फिर हमारी पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी। अब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर वह रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा शक्ति एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का यह आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम
वह अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी।